तो आप लोगों को गाइस पता ही होगा कि कीर्ति मेहरा ने अपने चैनल पर एक और नई जर्नी स्टार्ट कर दी और ये जर्नी है गाइस 7 डेज में 7 स्टेट्स को ट्रेवल करना। लेकिन ये गाइस सिर्फ सुनने में ही आसान लगता है क्योंकि 7 डेज में अब 7 स्टेट्स को ट्रेवल करना उतना भी आसान नहीं है। तो इसीलिए गाइस काफी सारे लोग बोलते हैं कि आप इतना ज्यादा मेहनत करती हो, इतना ज्यादा ट्रेवल करती हो वीडियोस बनाने के लिए, लेकिन आपको फिर भी यूट्यूब आपकी वीडियो को ट्रेंडिंग में नहीं लाता है। और एल्विस यादव भी गाइस अपने चैलेंजेस वीडियोस को बनाने में काफी ज्यादा एफर्ट्स डालते हैं, लेकिन उनके वीडियो भी गाइस हमें ट्रेंडिंग सेक्शन में बहुत ही कम दिखाई देते हैं। और आज गाइस कीर्ति मेहरा के 7 डेज 7 स्टेट्स का तीसरा दिन भी कंप्लीट हो चुका है। 3 दिन तक इन्होंने गाइस सक्सेसफुली वीडियो भी अपलोड किया है। बाकी गाइस उन्होंने अपने आज वाले चैलेंजेस वीडियोस को लेकर के क्या कुछ कहे, उनको गाइस ये चीजें कितनी ज्यादा आसान लगती है या फिर कितनी ज्यादा मुश्किल लगती है उसको लेकर भी बात करते हुए क्या कुछ कहे आप लोग इस वीडियो क्लिप में देख सकते हो। हमारे स्टेट नंबर 3 की जो की है राजस्थान। अब यहाँ पे अभी हमको टाइम हो गया है 8:30। हमको थोड़ा जल्दी निकलना था पर हम हो चुके हैं लेट, क्योंकि वीडियो की एडिटिंग में भी थोड़ा टाइम जाता है और रात को रेस्ट वगैरह हमें नहीं मिल पाता है, तो वो उसकी थोड़ी दिक्कत है। और एक चीज़ मैं एमपी के बारे में बताना चाहती हूँ, ऑल दो ये राजस्थान के ऊपर होगी वीडियो, पर एमपी के बारे में एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि एमपी का जो पानी है वो मेरे को थोड़ा सा ऐसा लगा कि मेरे को सूट नहीं किया, मेरी स्किन वगैरह थोड़ी ड्राई कर दी उसने। चलो अब हम चलते हैं राजस्थान की तरफ और आपको बताते हैं राजस्थान के बारे में। यहाँ से हमको दिखा रहा है 340 किलोमीटर जयपुर के, क्योंकि अब हम राजस्थान जा रहे हैं तो जयपुर को तो कैसे ही भूल सकते हैं। जयपुर में पहले भी बहुत बार गई हुई हूँ, पर इस बार मैं जयपुर में उन जगहों पर जाऊँगी जहाँ पर